हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। मुज़ाकरात, अपीलें गैर मौसर, फैजाबाद में धरने वालों ने अदालती हुकुम भी न माना। टस से मस न हुए तो इंतजामिया हरकत में आ गई, क्रैक डाउन जारी। आंसू गैस की शेलिंग, वाटर कैनन भी इस्तेमाल। मुजाहिरीन ने पुलिस की 5 गाड़ियां जला दी। पथराव से सिक्योरिटी अहलकारों समेत मुतादिद अफराद जख्मी, टिम्स मुंतकिल। फैजाबाद में सिक्योरिटी फोर्सेस की पेश कदमी, 150 मुजाहिरीन को गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तार शुदगान अडियाला जेल मुंतकिल, ऑपरेशन की फिजाई निगरानी। कराची में भी पुलिस धरने वालों से निमटने के लिए तैयार, वाटर कैनन मौके पर मौजूद। मुजाहिरीन ने एमए जिना रोड ट्रैफिक के लिए जबरदस्ती बंद करा दी, रास्ता बंद होने से आवाम परेशान। फैजाबाद धरने की हिमायत में होने वाला एहतजाज, पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में आवाम के लिए दर्द सर बन गया। लाहौर में मुजाहिरीन की 22, ट्रैफिक जैम, शाहदरा जीटी रोड और उकाड़ा में कौमी शाहरा पर धरना। फैसलाबाद, गुजरखान और गुजरावाला में भी रास्ते आवाम के लिए बंद। पेशावर में भी मुजाहिरा। आईनी इस्लाहात बिल पर असेंबली से गैर हाजिर अरकान के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाए, नवाज शरीफ की जेर सदारत इजलास में गौर। वजीर आजम और वजीर आला पंजाब भी शरीक, नए वजीर खजाना की तैनाती पर भी सलाह मशवरा, मुकदमात से मुतालिक अमूर का भी जायजा। शरीफ खानदान के खिलाफ एहतसाब का शिकंजा मजीद तंग। सुप्रीम कोर्ट ने हुदैबिया पेपर मिल्स केस को दोबारा खोलने के लिए नैब दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी। जस्टिस मुशीर आलम की सरबराही में 3 रुकनी खुसूसी बेंच तश्कील, समाअत 28 नवंबर को होगी। फैसलाबाद में दहशतगर्दों पर पड़ी कारी जर, पुलिस के छापे के दौरान कलदम तंजीम के 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक, 3 फरार हो गए। बारूदी मवाद, असलहा, डेटोनेटर्स और मोटरसाइकिल बरामद। हुकूमत को आम इंतखाबात में ताखीर का खदशा, पीपल्स पार्टी से बरवक्त इलेक्शन के लिए अपना किरदार अदा करने की अपील। वजीर दाखिला एहसन इकबाल की आज न्यूज के प्रोग्राम जीफ और गरीदा में गुफ्तगु, कहा अगर ऐसा ना हुआ तो इमरजेंसी डिक्लेयर करके असेंबली की मुद्दत एक साल बढ़ाना पड़ेगा। कि आपने हल्का बंदी, सेंसस हो चुका है उसके मुताबिक हल्का बंदी का वक्त नहीं होगा, तो या तो आपको फिर इमरजेंसी डिक्लेयर करके असेंबली की मुद्दत एक साल बढ़ानी पड़ेगी। मिस्र में मस्जिद पर दहशतगर्दों के हमले में 235 अफराद की हलाकत पर सोग, लवाहिकीन से यकजहती के लिए पेरिस में आईफिल टावर की बत्तियां गुल। दुनिया नादान सऊदी शहजादे के बयानात को अहमियत नहीं देती, खित्ते में आमिरों का जो अंजाम हुआ मोहम्मद बिन सलमान उस पर सोचें। तर्जुमान ईरानी वजारत खारजा, सऊदी वली अहद ने ईरानी क्यादत को हिटलर करार दिया था।